तुम इन जमीनों के लिए दर्द के सिवा और कुछ नहीं लाए उस्मान। नहीं, ये सब तुम लेकर आए हो या? हम तो दर्द के दरमान बने हैं। अब तुम्हारा सर उतार के तुम्हें दर्द से निजात दूंगा। अपनी कसरत के नशे में तुम सीना तान के खड़े हो गए, ताकत और इक्तदार के नशे में अंधे हो गए तुम लोग। अफरा तफरी पैदा की और लोगों को डराया, उनका सुकून बर्बाद किया, जबकि हमारा मकसद अमन का निजाम कायम करना है। हम हक की राह पर हैं। फतेह वही होगा जो हक की राह पर चलेगा। बातल तो हमेशा भागने पर मजबूर होगा। बदला, बदला वो तुमसे इंतकाम जरूर लेंगे उस्मान, तुम्हारी बीवी से, तुम्हारे बच्चों से, हत्ता के तुम्हारे लोगों की हड्डियां तक जला देंगे और इन सरजमीनों से तुम्हारी शाखें उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, जाने वाले तो तुम हो गए, मगरबी समंदर की तरफ। कयामत तक हम तुम्हारा पीछा करते रहेंगे, या तो जिलावतन कर देंगे या अपनी जिंदगियां गवाओगे। अनकरीब देख लोगे तुम अपने तमाम बच्चों और भाइयों की मौत जरूर देखोगे उस्मान, लेकिन तुम नहीं देख पाओगे। इस्मेहान को भिजवा दो इसका सर, कहना कि उस्मान की तरफ से तोहफा है। जो आप कहें। और ये तोहफा अंदरूनी कोष की तरफ भिजवा देना, ये खास उसके लिए है। सरदार, जो हुक्म। बाला, जनाब, वालिद सुल्तान ने यानी शहर को खाली करवा दिया है, लोगों को काई कबीले भेजकर शहर पर कब्जा कर लिया। वालिदा सुल्तान, वालिदा सुल्तान, समझ गया। शामिल, तैयारी रखो, कल सुबह तुम रवाना हो जाओगे। आप हुक्म करें जनाब। कोनिया जाकर कहना कि सल्तनत सलजूक के सुल्तान मसूद जिंदा और आजाद है, और वो वक्त दूर नहीं है जब सुल्तान मसूद तख्त नशीन होंगे, लेकिन हमें पहले सरदारान और अपनी आवाम को उभारना होगा। कर गुजरना जो भी जरूरी है, जो माल चाहते हो उन्हें माल दो, जो जंग चाहता है उसे जंग करो, जो सुलह करना चाहे उनसे सुलह कर ली जाए। जैसे आपका हुक्म जनाब। इसमें हाँ, देख लेंगे।